क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना, तो कभी कभी मेरा क्या होता है कि मैं जो भी हिंदी वर्ड है वो थोड़ा मैं भूल जाती हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। तो आज है 1 फरवरी और सुबह के 8 o'clock है और मैं मेरे बेटे को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। बाहर बहुत ही स्नो है, पूरा वाइट हो गया है, पर फिर भी मेरे बेटे जाना चाहते हैं स्कूल। पहले मैं सोची थी कि मैं नहीं भेजूँगी क्योंकि पूरा रास्ता प्रॉब्लम होगा जाने में, तो ये चाहते हैं कि इसके स्कूल जाना है मेरे बेटे को, तो मैंने इसे रेडी कर दिया। अभी ये स्कूल जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितना बर्फ़ है। तो बाहर बर्फ़ है और कंबल के नीचे सोने का कितना अच्छा मज़ा है, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती थी। तो मैं सोची कि थोड़ा मैं सो जाऊँ एटलीस्ट हाफ एन आवर तो अच्छा लगेगा। मेरा हाथ बहुत ही कोल्ड हो रहा है, तो मुझे लगा कि थोड़ा कंबल के नीचे सो जाऊँ, ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर के लिए। ये देखो मेरा पैटियो है, तो एकदम सामने से ही बर्फ स्टार्ट हो गया है और बहुत ही ठंडा है बाहर। कितना अच्छा लग रहा है, पर मेरे सारे प्लांट्स क्या हाल हो गए हैं इसका। ये सब मेरे रोज़ प्लांट है और बहुत ही अच्छा सुंदर फ्लावर आते हैं, पर देखो इसमें क्या हो गया है। आई होप समर टाइम में ये अच्छे से इसमें फूल आएंगे। वो मैंने मेरे बेटे का साइकिल भी शेड में नहीं डाली। oh no. तो देखा आपने कैसा बर्फ है बाहर। तो ये टॉप मैंने पहना बहुत दिन के बाद और मुझे जो चिकन पॉक्स हुआ था, मुझे लग रहा है कि उसके लिए मेरा वेट बहुत लॉस हो गया, तो ये टॉप इतना मतलब लूज लग रहा है मुझे देख के, आई डोंट नो। और मैं अभी आलू ही काट रही हूँ, मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। और ये आलू देखिए, ये कैसा एरा टेरा आलू। तो यही बर्फ़ देखते हुए मैं एक कप गरम गरम चाय पीऊँगी और मैं अभी चाय बना ही रही हूँ, मेरा चाय भी बन रहे हैं। तो आप सबके साथ मैं एवरीडे व्लॉग में नहीं आ सकती क्योंकि मैं एवरीडे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा। पर मैंने सोचा है कि अभी से मैं एटलीस्ट 1 ऑल्टरनेटिव डे मैं वीडियो बनाऊँगी ताकि मेरे साथ आप सबका भी कनेक्शन बना रहे। तो मैं ऐसे ही मेरा रूटीन करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे कर पाती हूँ, पर वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल बात है और एवरीडे बनाना वो और भी मुश्किल काम है। पर मैं ट्राई करूँगी कि एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो गाइज़, मैं अभी आलू के पराठे बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 आलू लिया है और मैंने इसे माइक्रोवेव में थोड़ा बॉईल कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी ये गर्म है, और थोड़ा प्याज लिया है। तो गाइज़, मैं अभी आलू के पराठे बनाऊंगी, पर आलू के पराठे में मतलब आलू जो पकेगा उसमें मैं स्पिनच भी दूंगी, तो आप इसको आलू और स्पिनच के भी पराठे बोल सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्दी होगा। और मेरे बेटे के लिए मैं स्पेशली ये बना रही हूँ, पर हम सब खाएँगे।
तो ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो ये मैं कोलकाते से लाई हूँ और मैंने अभी तक इसका ये टैग नहीं हटाया है। ये नंबर 5 साइज का है और इसका प्राइस था 496 रुपीस ओनली। तो आप में से कोई अगर ऐसा कढ़ाई खरीद सकते हो तो ज़रूर ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। ये जो हैंडल आप देख रहे हो ये गर्म नहीं होता है, सबसे अच्छी बात है। तो चलिए मैं मेरा अभी पराठे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने जीरा दिया और ये एक तेज पत्ता और थोड़ा सा हींग। गाइस ये बहुत ही इजी एक रेसिपी है, आप जरूर इसे ट्राई करिए। और ये है बेबी स्पिनच जो टेस्को से लिया हुआ है, इसे मैं जब आलू पक जाएगा तब मैं इसे डालूंगी। तो इसमें मैंने थोड़ा नमक, धनिया, जीरा और हल्दी मिक्स कर दिया है। तो अभी ये अच्छे से पकेगा और मुझे थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो ये मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो अभी मैं इसमें सारे के सारे स्पिनच डाल दूंगी। तो गाइज जैसे कि आपने देखा कि बाहर बहुत बर्फ़ है तो इतने स्नो हो गए हैं चारों तरफ और गाड़ी चलाना भी बहुत ही मुश्किल है। और जैसे कि वेदर फोरकास्ट पहले से देख के रखे थे तो मेरे हस्बैंड कल रात को जाके जितना बेसिक जो भी मतलब ग्रॉसरी के लिए चाहिए वो सब लेके आए हैं। तो ज़्यादातर ऐसे स्नो में स्कूल कभी कभी छुट्टी भी दे देते हैं पर मेरे बेटे के स्कूल में नहीं दिया। मैंने मेल चेक किया सुबह उठ के, पर मैं एक बार बोली थी कि मत जाओ ऐसे स्नो हो रहा है, तो उसे लगा कि इसी स्नो में ही वो एंजॉय करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ चिली ठंडा। तो मुझे लगा गर्मा गर्म पराठे खाते हैं और आलू के पराठे तो मेरा फेवरेट है, बहुत दिन से मैंने नहीं बनाई थी तो आज ही लगा कि चलो मैं ये बनाती हूँ, मेरे बेटे को भी अच्छा लगेगा। और यही जो बाहर स्नो देखते हुए मैं चाय पी रही हूँ और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं मेरे घर में जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तब सब कोई खा लेते हैं, एकदम ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं प्लेन पराठे बनाती हूँ कोई नहीं खाते हैं, एक दो खा लेंगे पर मेरा बहुत बच भी जाता है, ख़त्म नहीं होता है। तो गाइज मैं अभी ये वीडियो एडिट करूँगी और मैं ये वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। उसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो मेरा पराठा था आलू और पालक वाला पराठा वो बहुत ही टेस्टी बना था। मैं बोल नहीं सकती आपको कि क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना तो कभी कभी मेरा क्या होता है कि मैं जो भी हिंदी वर्ड है वो थोड़ा मैं भूल जाती हूँ मैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और कौन सा वर्ड मुझे मतलब परफेक्टली बोलना चाहिए उस बात के लिए जो भी बात मैं बोलना चाहती हूँ। तो कभी कभी मैं वो पर्टिकुलर वर्ड
भूल जाती हूँ क्योंकि मैं बंगाली और हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है। और हाँ, तो पराठा बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था और पराठे में सब कुछ का टेस्ट बहुत ही अच्छे से आ रहा था और बहुत ही हेल्दी बना था। और आई होप मेरे बेटे को अच्छा लगेगा और आप सब भी ये पराठा ज़रूर बनाइए घर पे, बहुत ही सिंपल है, क्विक हो जाता है। और आप सब अपने फैमिली को हेल्दी हेल्दी खाना खिलाइए और अच्छे रहिए। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय बाय।